हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस नाइन प्रो 5G फोन के बारे में, जिसका रेंडर्स निकल के आ चुका है एंड इसका लीक्स निकल के आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड बताएंगे इसका क्या प्राइस होने वाला है एंड कब तक ये लॉन्च हो सकता है इंडिया में, और भाई क्या क्या फीचर्स लेके आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया है, तो सब कुछ बताएंगे वीडियो में। तो भाई वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक कर देना। तो भाई ज़्यादा पता नहीं करेंगे, शुरू। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले, तो 6.55 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इधर आपको मिलेंगे, जो डिस्प्ले इधर आपको मिलेंगे कर्व स्क्रीन के साथ, कर्व डिस्प्ले के साथ इस बार इस फोन आपको मिलेंगे, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो आपको मिलेंगे भाई, क्योंकि इधर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए। एंड डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है, कोई भी मतलब डाउट नहीं है होने वाला है आपको, ठीक है। एंड बात करेंगे अगर इसकी प्रोसेसर, तो इधर आपको मिलेंगे स्नैपड्रैगन 875 जो एक लेटेस्ट प्रोसेसर होने वाला है, मतलब क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है, अब तक ये लॉन्च भी नहीं हुआ, बट इसी प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये कंफर्मेशन हो चुका है। और ये फ़ोन टोटली 5G फ़ोन होने वाला है एंड इसका जो बेस है भाई 5nm पे बेस करके इसको बनाया गया, तो बहुत ही कम कंज्यूम करने वाला है आपको बैटरी को, बहुत ही लंबा देर तक बैटरी बैकअप आपको जाने वाला है इस फ़ोन में, ठीक है। एंड एक कोर का प्रोसेसर है, और जो इस पर आपको GPU मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया GPU मिलता है, 660 का GPU मिलेगा Adreno, तो बहुत ही मतलब हाई सेटिंग्स पे आप किसी भी गेम को आराम से खेल पाएंगे, कोई भी लैग इश्यूज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड अगर आप रेंडरिंग करेंगे, वीडियो रेंडरिंग कुछ भी करते हैं, बहुत ही मक्खन की तरह चलने वाला है, ठीक है। और बात करेंगे अगर इसकी कैमरा, तो भाई इधर आपको टोटल 4 कैमरा मिलेंगे, आप मतलब फोटो में देख सकते हो, ठीक है, टोटल 4 कैमरा मिलता है, और एक सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेंगे इस बार इस फोन में, जैसे मिलता है आपको वन प्लस फोन में। अगर बात करेंगे इसकी बैटरी, तो 4500 टू 5000 एमएच की बैटरी इधर आपको मिल सकता है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, ऐसे लीक्स आ रहे हैं। एंड 65W का फास्ट चार्जिंग मिलेंगे, ये भाई कन्फर्मेशन हो चुका है कि 65W का फास्ट चार्जिंग इधर आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप फोन को चार्ज कर पाएंगे। और बात करेंगे अगर इसकी अदर कनेक्टिविटी, तो इधर आपको मिलेंगे टाइप सी का पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड आपको एंड्रॉयड 11 जो लेटेस्ट है एंड्रॉयड के तरफ से, वही आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाते हैं, और ऑक्सीजन 11 के ऊपर ये बेस करके मतलब ये रन करता है। एंड आप जो कैमरा है उसमें आपको 8K पे आप शूट कर पाएंगे 30fps तक, ठीक है, 30fps तक आप निकल पाएंगे 8K पे इस फ़ोन से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मतलब एक फीचर्स आप बोल सकते हो इस फ़ोन में, और जितने भी सेंसर्स हैं सारे के सारे सेंसर्स आपको इधर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात करेंगे इसकी प्राइस, तो क्या प्राइस हो सकता है आप मुझे कमेंट्स करके गेट्स करके बता सकते हो। मुझे लगता है कि ये भाई 60 to 65,000 के बीच में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड ये लॉन्च होने वाला है 2021 के मार्च में, तो देखेंगे कब तक ये लॉन्च करेंगे वन प्लस इसको एंड ऑफिशियली कब तक इसको लाता है एंड क्या प्राइस पॉइंट भी आता है। अगर अच्छे प्राइस होते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है इस फ़ोन के लिए, एंड एग्रेसिव रहता है तो और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो, अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट्स ज़रूर से कर देना। एंड वीडियो इतना था, तो भाई चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तो तक लिए बाय बाय।